ए, ए, अब तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकती हो। अरे मैं क्या कर सकती हूँ, तुम भी तो इनकार कर सकते हो ना बिकने से। हाँ मैंने कहा ना, तो काजल ने बोला कि भाई के आदमी बुलाकर पिटवाऊंगा। स्वीटी राधिका और मीनाक्षी ने तो खुदकुशी करने की धमकी दी, अब तुम ही कुछ करो ना। अरे मैं माँ हूँ उनकी, अपनी औलाद के फ्यूचर के साथ कैसे खिलवाड़ कर सकती हूँ। तुम्हें बेचने से करोड़पति बन जाएंगे ना वो। करोड़पति बन जाएंगे वो ठीक है, लेकिन लेकिन मैं चला गया तो फिर तुम टांग किसकी खींचोगी। मैं तो चल रही हूँ ना तुम्हारे साथ सौतन नंबर दो के घर। अच्छा बंगला है रेखा का, मैंने तो अपनी दीवार भी सिलेक्ट कर ली है। बोलो, शमशान शुरू भी नहीं हुआ और भूतों ने एडवांस बुकिंग भी कर ली। क्या बाप, सब सामान पैक कर लिया ना? मैंने सब सामान पैक कर दिया। मामा साथ में हमारी एक फोटो की एल्बम भी दे देना, डैडी सुख के समंदर में तैरते तैरते कभी दुख भरे दिनों को भी याद कर लेंगे। और डैड बिल्कुल फिकर मत करना, थोड़ी सी भी तकलीफ होगी ना हमको खबर कर देना। बेटे एक बार और सोच लो, कुछ भी करो लेकिन बाप की बिक्री मत करो। आ गई। चंगे हैं मम्मी। तो फिर आपने क्या डिसाइड किया? मामा जरा कैंची धो देना। कैंची? ये ले। इसके दोनों में बाल ही काट देती हूँ। अरे काटना है तो सीधा नाक की काटा। शुभ्न काका, इसने हमारे राम जैसे डैडी पर डोरे डाले हैं। अरे नहीं यार, इसकी तो आंखें निकाल डालते हैं। हाँ। मुझे बचाओ ना आनंद प्लीज। आनंद क्या? हाँ आनंद भैया बोलो। आनंद भैया, आनंद मामा, आनंद चाचा, मुझे बचा लो। इसे मारो, सब लोग मिलके मारो, चाचा मामा काका बोल के मारो, इसे मारो। रेखा जी हार गई ना चैलेंज? कसम से तुम लोगों ने मेरी सांस ऊपर कर दी थी। बस क्या डैड, हमको इतना गया गुजरा समझाया? अरे नहीं बेटी। हाँ हमारे यहाँ पति परमेश्वर होता है और परमेश्वर को कोई बेचता है क्या? थैंक यू वेरी मच, मुझे तुम लोगों पर नाज है। मगर डैडी एक गलती हो गई। क्या हुआ बेटी? उसको भगाने से पहले एटलीस्ट हमें उससे ये पूछ लेना था कि वो आपकी कितनी कीमत देने को तैयार है। एटलीस्ट आपकी मार्केट वैल्यू तो पता चल जाती।